हेलो दोस्तों, आज हम आपको 1994 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली टॉप 20 मूवियों के बारे में आपको बताएंगे। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 20 पर मूवी है खुद्दार। इस मूवी के डायरेक्टर थे इकबाल दुर्रानी। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, करिश्मा कपूर और कादर खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,95,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,51,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,35,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 19 पर मूवी है द जेंटलमैन। इस मूवी के डायरेक्टर थे महेश भट्ट। इस मूवी के लीड कास्ट में चिरंजीवी, जूही चावला और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,65,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,60,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,48,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 18 पर मूवी है ऐलान। इस मूवी के डायरेक्टर थे गुड्डू धनोआ। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, मधु और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,85,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,61,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,49,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 17 पर मूवी है गोपी किशन। इस मूवी के डायरेक्टर थे दीपक शिवदासानी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, शिल्पा स्टॉलकर और करिश्मा कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,15,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,81,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 16 पर मूवी है अंजाम। इस मूवी के डायरेक्टर थे राहुल रवेल। इस मूवी के लीड कास्ट में माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, दीपक तिजोरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,65,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,99,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 15 पर मूवी है अंदाज। इस मूवी के डायरेक्टर थे डेविड धवन। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, जूही चावला, करिश्मा कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 5,29,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9,89,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 14 पर मूवी है अंदाज अपना अपना। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,90,00,000 रहा। भारत में कमाई 5,30,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,83,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 13 पर मूवी है ये दिल लगी। इस मूवी के डायरेक्टर थे नरेश मल्होत्रा। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सैफ अली खान और काजोल शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 5,72,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,38,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 12 पर मूवी है इंसानियत। इस मूवी के डायरेक्टर थे टोनी जुनेजा। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, सनी देओल, रवीना टंडन, जया प्रदा और चंकी पांडे शामिल थे। इस मूवी का बजट 4,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 7,75,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11,21,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 11 पर मूवी है दिलवाले। इस मूवी के डायरेक्टर थे हैरी बवेजा। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,10,00,000 रहा। भारत में कमाई 6,33,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,92,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपर हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 10 पर मूवी है आतिश। इस मूवी के डायरेक्टर थे संजय गुप्ता। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, करिश्मा कपूर, अतुल अग्निहोत्री, रवीना टंडन और आदित्य पंचोली शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 6,43,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9,40,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 9 पर मूवी है विजय पथ। इस मूवी के डायरेक्टर थे फारूक सिद्दीकी। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, तब्बू, रैनी और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 6,45,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9,09,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 8 पर मूवी है 1992 ए लव स्टोरी। इस मूवी के डायरेक्टर थे विद्यु विनोद चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, जगे सौरभ, मनीषा कोईराला और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 4,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 6,99,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11,69,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 7 पर मूवी है सुहाग। इस मूवी के डायरेक्टर थे कुकू कोहली। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, करिश्मा कपूर, अक्षय कुमार और नगमा शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 7,09,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10,07,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 6 पर मूवी है लाडला। इस मूवी के डायरेक्टर थे
राज कन्वर। इस मूवी के लीड कास्ट में श्रीदेवी, अनिल कपूर, रवीना टंडन और फरीदा जलाल शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ 25 लाख रहा। भारत में कमाई 7 करोड़ 16 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 10 करोड़ 57 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 5 पर मूवी है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस मूवी के डायरेक्टर थे समील मलकान। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ 25 लाख रहा। भारत में कमाई 7 करोड़ 88 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 11 करोड़ 32 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 4 पर मूवी है राजा बाबू। इस मूवी के डायरेक्टर थे डेविड धवन। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, करिश्मा कपूर, कादर खान और संदीप कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 30 लाख रहा। भारत में कमाई 8 करोड़ 24 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 11 करोड़ 57 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 3 पर मूवी है क्रांति वीर। इस मूवी के डायरेक्टर थे मेहुल कुमार। इस मूवी के लीड कास्ट में नाना पाटेकर, डिम्पल कपाड़िया, अतुल अग्निहोत्री और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 25 लाख रहा। भारत में कमाई 9 करोड़ 35 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 15 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 2 पर मूवी है मोहरा। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजीव राय। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और नसरुद्दीन शाह शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 12 करोड़ 1 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 17 करोड़ 62 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 1 पर मूवी है हम आपके हैं कौन। इस मूवी के डायरेक्टर थे सूरज बड़जात्या। इस मूवी के लीड कास्ट में माधुरी दीक्षित, सलमान खान, अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 6 करोड़ 25 लाख रहा। भारत में कमाई 72 करोड़ 47 लाख हुई और दुनिया में इस मूवी ने 111 करोड़ 63 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही और यही 1994 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी रही। दोस्तों आपको 1994 की मूवियों में से कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज। दोस्तों थैंक यू।